और चलिए अब नजर डालेंगे स्पीड न्यूज पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में, उन्होंने अहम बैठक की पुलिस के आला अधिकारी के साथ ही बैठक, इससे पहले स्ट्रीट गेस्ट हाउस में की थी जनसभा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम भजनलाल शर्मा चिंतित, सीएमओ में शाम 5 बजे हाई लेवल बैठक, कोरोना की मौजूदा स्थिति की करेंगे समीक्षा। कोरोना प्रबंधन के लिए स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम का गठन, एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने गठित की 9 सदस्यीय टीम में, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नगाती की अध्यक्षता में कमेटी हालातों पर रखेगी नजर। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष मुखर, दिल्ली के जंतर मंतर पर आईएनटीआई गठबंधन का प्रदर्शन, राहुल खड़गे सहित दिग्गज नेता शामिल। जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना, पीसीसी चीफ डोटासरा का केंद्र और भाजपा पर हमला, कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। साक्षी मलिक के संन्यास को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, रणदीप सुरजेवाला बोले अब बीजेपी का नारा है बेटे रुलाओ बेटी सताओ, सरकार बेटियों के अपमान पर खामोश। नई दिल्ली की एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और विजेंद्र सिंह ने भाजपा पर हमला बोला, कहा यौन शोषण के आरोपी के असिस्टेंट संजय सिंह के चुनाव जीतने के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक का संन्यास लेना भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का हो विस्तार, 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित नेता रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संसद के शीतकालीन सत्र की जानकारी दी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। एमपी के सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की राजौरी में सेना पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद, 2 सैनिकों के शव क्षत विक्षत मिले, हथियार लूटकर भागे आतंकी, फिलहाल ऑपरेशन जारी। भारत ने साउथ अफ्रीका टूर की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की है, टीम ने तीसरे और निर्णायक मुकाबले में मेजबान टीम को 78 रनों से हराया। टीम इंडिया ने अफ्रीकी सरजमी पर दूसरी बार वनडे सीरीज जीती है। पाल की बॉलेंट पार्क स्टेडियम में भारतीय टीम ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 296 रन बनाए, जवाब में साउथ अफ्रीका टीम ने 45.2 ओवर में 218 रन पर ऑल आउट हुई। राजधानी की जेसीसी सीतापुरा में जयपुर ज्वेलरी शो की शुरुआत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उद्घाटन किया, 25 दिसंबर तक चलेगा जयपुर ज्वेलरी शो। मशहूर कवि और चित्रकार इमरोज का निधन, 97 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, बिना शादी की अमृता प्रीतम के साथ 40 साल रही चित्रकार इमरोज। साहिल खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में एफआईआर रद्द कराने की मांग, मामले की सुनवाई 2024 में। 56 की उम्र में दोबारा शादी करेंगे अरबाज, 24 दिसंबर को दुल्हन बन सकती है मेकअप आर्टिस्ट शुरा खान, हाल ही में जॉर्जिया में हुआ बिग। एनिमल देश की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी मूवी गदर 2 को पछाड़ा, फिल्म ने इंडिया में कमाए 528.69 करोड़, पठान के रिकॉर्ड से 14 करोड़ पीछे। अभिनेता प्रभास की नई फिल्म सालार की रिलीज होने से प्रशंसकों में खुशी की लहर, प्रशंसकों ने शहर में प्रभास की विशाल कटआउट और फिल्म की पोस्टर लगाए। अभिनेता प्रभास की फिल्म सालार हुई रिलीज, फिल्म देखने के लिए प्रशंसक उर्वशी थिएटरों के बाहर इकट्ठा हुए, सिनेमाघरों में उमड़ रही है दर्शकों की भीड़। दिल्ली शराब घोटाला, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को किया राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव, श्रीपुल काईकुलम में कृषि भूमि पर जलभराव के चलते फसलों को हुआ खासा नुकसान। गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट हो सकते हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन, भारत सरकार ने भेजा राष्ट्रपति मैक्रोन को न्योता। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले परेड की रिहर्सल, कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की तैयारी जारी। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में फटा गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर फटने से 15 घर आए आग की चपेट में, आग बुझाने का प्रयास जारी। कोटा के स्टेशन इलाके के रंगपुर ओवरब्रिज पर रफ्तार कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी, हादसे में 7 लोग घायल, वाहन क्षतिग्रस्त हुए, सभी घायलों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया, कार का टायर फटना बताया जा रहा है हादसे का कारण।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जैसलमेर दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जैसलमेर आएंगे। जैसलमेर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और वाहनों की गहनता से जांच, पुलिस ने अलग अलग जगह नाके लगाए। टोंक शहर की सड़क पर बेलगाम ऊंट को दौड़ता देख राहगीरों की होश उड़ी। शहर में चिड़ी की बाड़ी के पास एक बाड़ी में पालतू ऊंट अचानक रस्सी तोड़ाकर घर से निकल गया। गनीमत रही कि बेलगाम दौड़ते ऊंट ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऊंट के पीछे दौड़ लगा रहे उसके मालिक ने ऊंट को पकड़कर रस्सी कसी और उसे काबू में लेकर राहत की सांस ली। जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में अंकलेश्वर जंक्शन के पास 24 बदमाशों की यात्रियों को लूटने की मामला सामने आया है, जिसको लेकर यात्री सरोज गुप्ता ने अपनी आपबीती सुनाई। अचानक ट्रेन में घुसे बदमाशों ने सरोज के पर्स में रखी 35,000 रुपए छीन लिए। यात्रियों ने 139 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके 2 घंटे बाद वडोदरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की शिकायत दर्ज हुई। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3.5 किलो अफीम बरामद की है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच को शुरू किया। झालावाड़ की मंसूरी में आबकारी विभाग ने कार्यवाही करते हुए दबिश देकर मौके से 3400 लीटर वाष्प को नष्ट किया है। साथ ही 12 भट्टियों को भी तोड़ा गया। इसके साथ ही पुलिस की शराब के विरुद्ध कार्रवाई जारी। अलवर के भिवाड़ी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल। बच्चों ने शव को देखा तो शोर मचाया। वहां के स्थानीय लोगों को सूचना दी गई, जिस पर लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया। इसके साथ ही शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 143 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में हनुमान चौराहे पर गांधी दर्शन के आगे प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष ने बताया कि एआईसीसी के निर्देश पर मोदी सरकार से विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस जनों द्वारा नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। पाली के नया बस स्टैंड क्षेत्र में मकान में शोर मचाने को लेकर टूटने का मामला सामने आया, जिसमें मकान में मौजूद लड़कों ने रिटायर्ड एएसआई सहित उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को बागड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी। बांद्रा मुंबई से उदयपुर जा रही ड्राइवर ट्रेन से नीचे गिरने से सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा उदयपुर के सराड़ा थाना क्षेत्र में जयसमंद के पास हुआ। डूंगरपुर जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में 2 नदी पुल से एक स्कूल बस के नीचे गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची। मॉकड्रिल होने का पता चलने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इधर मॉकड्रिल में सभी विभागों के अधिकारी मुस्तैद रहे। एडीएम एएसपी सबसे पहले मौके पर पहुंचे। वही इस दौरान क्रेन आखिर में घटनास्थल पर पहुंची। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू में अब इन दिनों कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मावठ की संभावना जताई, जिसका सिरोही के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में भी असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से आसमान में काले बादलों का जमावड़ा है। ऐसे में शहर के न्यूनतम तापमान में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बूंदी के अमरूदों की अलग ही पहचान बनी है। किसानों ने पारंपरिक खेती के साथ बागवानी को अपना लिया है। वर्तमान में रोज बूंदी से दर्जनों वाहनों में अमरूदों को अन्य शहर में सप्लाई किया जा रहा है। इसकी खासियत है कि अमरूद सफेद और सॉफ्ट होने के साथ मिठास वाले हैं, जो लोगों को खूब भाता है। बूंदी में शराबी पति को रुपए नहीं देने पर पति ने पत्नी कमलेश को गोली मारकर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। दबलाना थाना पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आरोपी पति बनवारी फिलहाल फरार है, लेकिन पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। झालावाड़ की भवानी मंडी में जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में लूट की वारदात। करीब 2 दर्जन से अधिक लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरपीएफ ने मामला दर्ज कर आगे की जांच को किया शुरू। डीडवाना में बीते 1 सप्ताह से क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी और इसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर के विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमारी ने किसान और फल उत्पादकों को सलाह दी। तेज सर्दी और पाले के मद्देनजर फसल बचाव की सलाह यहां पर दी गई। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित पुष्टि मार्ग के प्रधान पीर श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता पहुंचे। जस्टिस मेहता ने अपने परिवार के साथ प्रभु श्रीनाथ जी की उत्थापन झांकी के दर्शन किए। इस दौरान जिला कलेक्टर निलाभ सक्सेना सहित न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।
राजसमंद की दिवीर थाना क्षेत्र में गाड़ी डिवाइडर से टकराई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे की सूचना पर दिवीर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क किनारे घायलों को प्राथमिक उपचार मुहैया करवाया। जयपुर में सेहत पहली प्राथमिकता है, इस उद्देश्य के साथ कोहरेट 21 डेज रन चैलेंज का संपन्न हुआ। 10 लोगों से शुरू हुआ कारवा अपने तीसरे सीजन तक आते आते 400 प्लस रनर्स ने 30,000 किलोमीटर रन के रिकॉर्ड के साथ सफलतापूर्वक इसे संपन्न किया। टोंक में रिलायंस पेट्रोल पंप पर भीषण आग की सूचना पर सिटी सीओ मौके पर पहुंचे और वहीं सूचना के बाद नगर परिषद की दमकली और फायरमैन भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पुलिस और प्रशासन का मॉकड्रिल की जानकारी मिली, जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली। डीडवाना में कृषि मंडी परिसर में अज्ञात कारणों से आग लगी। आग लगने से बबूल के पेड़ सहित घास फूस जलकर खाक हुए। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अनूपगढ़ में गैस सिलेंडर वितरकों ने उपभोक्ताओं की ई केवाईसी अपडेट करना शुरू किया है। भाजपा ने चुनाव से पहले सिलेंडर 450 रुपए में देने की घोषणा की थी। इससे अमली जामा पहनाने के लिए ई केवाईसी की शुरुआत हुई। वहीं अनूपगढ़ के सिद्धिविनायक गैस एजेंसी पर रसोई गैस उपभोक्ताओं का जब आंकड़ा लंबी लंबी लाइनों के रूप में देखने को मिला। अब तक करीब 4,500 उपभोक्ता केवाईसी करा चुके हैं। राजसमंद की कथारिया में लूटपाट, हत्या, मारपीट और चोरी की घटना का मामला सामने आया। अज्ञात युवकों ने बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट कर मोहनलाल के हाथ बांधकर उसे कुएं में डाला। प्रशासन ने 2 दिन बाद कुएं से लाश बरामद की, फिलहाल जांच जारी। बांसवाड़ा से खबर, प्रदेश में कोरोना के नए सब वेरिएंट SARS-CoV-2 जेन 1.2 संक्रमित मिलने से हड़कंप का माहौल। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। एमजे अस्पताल में 50 बेड क्षमता की 2 वार्ड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व किए गए। राजसमंद के नादवारा नगर पालिका द्वारा करवाए जा रहे कार्यों का आम जनता विरोध कर रही है। नगर पालिका ने महावीर चारभुजा मंदिर के पास कुएं को ढकने का कार्य शुरू किया है।